1 जनवरी को आ जाएंगे 1,000 रुपए के नए नोट, बैंकों में वापस लौटेंगे 2,000 रुपए के नोट। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में, मैं साकिब शेख एक्सपोजिंग नाउ से। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं तेजी से हो रही है। 1 जनवरी 2023 से 1,000 रुपए के नए नोट आ जाएंगे और इसी दिन से 2,000 रुपए के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। जैसे कि आपको बता दें, 2016 में सरकार ने रातों रात पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था और 500 रुपए के नोट के साथ 2,000 रुपए के नए नोट पेश किए गए थे। जैसे कि आप सबको पता है, 2016 8 नवंबर को नोटबंदी की गई थी। ये नोटबंदी का मकसद काला धन को ख़त्म करना था। संसद में सरकार के जवाब पुष्टि भूमि में ये खबर फैल रही है, 2018 से लेकर 2019 के बाद से 2,000 रुपए के नोट की छपाई के लिए कोई नया मांगपत्र नहीं रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुधवार को कहा कि बैंकों को 2,000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हालांकि 1 जनवरी से 1,000 रुपए के नोट वापस आने की खबर गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टेलीविजन पर सार्वजनिक संबोधन के बाद 2016 में सरकार द्वारा प्रतिबंध किए गए 1,000 रुपए के नोटों को फिर से पेश करने की सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत सरकार के पीएबी फैक्ट चेक ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ट्विटर का सहारा लिया और लोगों को इस तरह के तुच्छ और भ्रामक दावों के प्रति आगाह किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर कहा कि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी से 1,000 रुपए के नोट और 2,000 रुपए के नोट बैंकों में वापस आ जाएंगे। ये दावा एक फर्जी दावा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल एक्सपोजिंग नाउ को सब्सक्राइब करें।